स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। बीजेपी आज नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत करने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले सदस्य बनने के साथ ही बीजेपी के सदस्यता अभियान लॉन्चिंग होगी। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री को सदस्य बनाकर अभियान की शुरुआत करेंगे। अभियान की शुरुआत से ही फोन नंबर 8800002024 पर मिस कॉल करके लोगों को बीजेपी का सदस्य बनाने की शुरुआत की जाएगी। प्राथमिक सदस्य बनाने के लिए सदस्य अभियान का पहला चरण 25 सितंबर तक और दूसरा चरण 1 से 15 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। वहीं पार्टी का सक्रिय सदस्य बनने के लिए 16 से 31 अक्टूबर तक सक्रिय सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। पश्चिम बंगाल में आज से 2 दिवसीय विशेष विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इस विशेष सत्र के दौरान राज्य सरकार बलात्कार विरोधी कानून पेश करेगी। बीजेपी ने इस विशेष कानून का समर्थन करने का फैसला किया है, लेकिन साथ ही ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग के साथ विरोध प्रदर्शन को भी जारी रखेंगे। पश्चिम बंगाल भाजपा महासचिव और विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि अगर ममता बनर्जी मुख्यमंत्री बनी रही और यह पार्टी सरकार में रही तो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और अत्याचार जारी रहेगा, क्योंकि राज्य में कानून व्यवस्था नहीं है। वहीं आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल बलात्कार हत्या मामले में सीबीआई टीम ने अपराध स्थल, अस्पताल की आपातकालीन इमारत, लड़कों के छात्रावास और आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में प्रिंसिपल के कार्यालय का निरीक्षण किया। उधर पंजाब विधानसभा का सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार हैं। भारतीय किसान यूनियन ने ऐलान किया है कि वो पंजाब विधानसभा तक विरोध मार्च करेगा। किसानों का ये मार्च किसान कृषि नीति, नशीली दवाओं के खतरे पर अंकुश लगाने समेत किसानों से जुड़ी कई मांगों को लेकर होगा। विदेश मंत्रालय ने उन खबरों को गलत बताया है जिनमें दावा किया गया है कि भारत ने 6 बांग्लादेशी छात्र नेताओं का वीजा प्रतिबंधित कर दिया है। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि भारत ने ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। कुछ मीडिया संगठनों ने बताया था कि बांग्लादेश के 6 छात्र नेताओं पर ऐसा प्रतिबंध लगाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 और 4 सितंबर को ब्रुनेई की यात्रा पर रहेंगे। पीएम ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के निमंत्रण पर वहां पहुंचेंगे। इसे लेकर ब्रुनेई में भी काफी उत्साह है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 3 दिवसीय महाराष्ट्र दौरा है। राष्ट्रपति आज कोल्हापुर के वारनागर में वारना महिला सहकारी समूह के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। वहीं 3 सितंबर को राष्ट्रपति पुणे में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल के 21वें दीक्षांत समारोह की शोभा बढ़ाएंगे और कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। साथ ही महाराष्ट्र विधान परिषद के शताब्दी वर्ष समारोह में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति 4 सितंबर को लातूर के उदगीर में बुद्ध विहार का उद्घाटन करेंगे। वे उदगीर में महाराष्ट्र सरकार की शासन अपल्यादारी और मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना के लाभार्थियों के एक सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट आज देश के कई राज्यों में चल रही बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करेगा। जमीयत उलेमा ए हिंद की याचिका में कहा गया है कि बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि इसमें मंशा अवैध निर्माण हटाने से ज्यादा लोगों को सबक सिखाने की होती है, क्योंकि अधिकतर जगहों पर एक समुदाय विशेष को खास निशाना बनाया जा रहा है। हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में हत्या के आरोपी छात्र के किराए के मकान को गिराए जाने समेत दूसरे मामले भी कोर्ट में उठेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस भूषण आर गवई की अगुवाई वाली पीठ मामले की सुनवाई करेगी। हिमाचल में प्रदेश सरकार पर कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।
मौजूदा दौर में सरकार पर करीब 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और इस वित्त वर्ष के आखिर तक ये कर्ज करीब 95,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। विशेषज्ञ इसे लेकर सरकार के कुप्रबंधन को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आने वाले वक्त में प्रदेश का आर्थिक संकट बढ़ने का अंदेशा जता रहे हैं। यूपी के बहराइच के महसी अंतर्गत नदी के कछार में बसे ग्रामीणों पर आदमखोर भेड़िए का आतंक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 35 गांव में भेड़िए का खौफ अभी भी जारी है। कल देर रात बहराइच के बरबीघा हरदी थाना क्षेत्र के निवासी 7 वर्षीय बालक और महिला पर भेड़िए ने हमला कर दिया। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए फिलहाल ऑपरेशन जारी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कौशल भारत कुशल भारत योजना के तहत ग्राहक सेवा प्रतिनिधियों की नियुक्ति और लोगों को 28,000 रुपए का मानदेय देने की खबरों को फर्जी बताया है। मंत्रालय ने इस दावे का भी खंडन किया है कि नियुक्ति से पहले 1,350 रुपए का पंजीकरण शुल्क देना होगा। झारखंड पुलिस के आईजी ऑपरेशन अमोल विनुकांत होमकर ने कहा कि झारखंड आबकारी कांस्टेबल भर्ती के लिए राज्य में 7 केंद्र बनाए गए हैं। दुर्भाग्य से आबकारी कांस्टेबल भर्ती अभियान के दौरान शारीरिक परीक्षण के दौरान 11 अभ्यर्थियों की मौत हो गई। 1,00,000 सरकारी नौकरियां देने के अपने वादे को पूरा करते हुए असम सरकार आज 23,900 से अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करेगी। इसके साथ ही पिछले 3 वर्षों में असम में सरकारी नौकरियों की कुल भर्ती बढ़कर 1,24,345 हो जाएगी। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लगातार बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। यहां विजयवाड़ा ग्रामीण मंडल के अंबापुरम नैनावरम नुन्ना और पथपाड़ू गांव पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। पुलिस और एनडीआरएफ टीमों ने प्रभावित निवासियों को पुनर्वास केंद्रों में स्थानांतरित करते हुए बचाव और राहत अभियान शुरू कर 5 जिलों के 294 गांव से करीब 13,000 से भी ज्यादा लोगों को बाहर निकाला। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विजयवाड़ा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और नाव से स्थिति का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने 3 से 4 घंटे के अंतराल पर विजयवाड़ा के बाढ़ प्रभावित इलाके अजित सिंह नगर का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री और आवश्यक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था का मुआयना किया। उन्होंने प्रभावित निवासियों को हर जरूरी सरकारी सहायता मुहैया कराने का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने राज्य भर में बारिश और बाढ़ की स्थिति पर कई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठकें भी की। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि राज्य में अभूतपूर्व बारिश हुई है और कुछ जिलों में तो औसत से 60% ज्यादा बारिश हुई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अतिरिक्त सहायता के लिए केंद्र सरकार को विस्तृत क्षति आकलन भेजेगी। बंगाल की खाड़ी में बने दबाव के चलते तेलंगाना में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। तेलंगाना के 1/3 हिस्से में इस समय बारिश का रेड अलर्ट है। बाढ़ प्रभावित इलाकों के स्कूल कॉलेज आज बंद हैं। भारी बारिश के बीच 21 ट्रेनें भी रद्द करनी पड़ी हैं। भारी बारिश के चलते करीब 110 गांव प्रभावित हुए हैं। गृहमंत्री अमित शाह के निर्देश पर तेलंगाना में एनडीआरएफ की 9 टीमें तैनात की गई हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने भी तेलंगाना के मुख्यमंत्री से बात कर बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और राज्य को हर संभव मदद का आश्वासन दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री को उनके राज्यों में भारी बारिश के बाद उत्पन्न संकट से निपटने के लिए केंद्र की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। पीएम मोदी ने भारी बारिश और बाढ़ के मद्देनजर दोनों मुख्यमंत्रियों आंध्र प्रदेश के एन चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के ए रेवंत रेड्डी से फोन पर बात की। मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा और बिहार समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।
सोमवती अमावस्या के अवसर पर देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है। वहीं अमावस्या के अवसर पर भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने हरिद्वार में गंगा नदी में पवित्र डुबकी लगाई। अगस्त में कुल जीएसटी संग्रह 10% बढ़कर लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपए हो गया है। देश में जल्द ही स्लीपर वंदे भारत ट्रेनें शुरू होने वाली हैं। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में पैसेंजर सेफ्टी के साथ साथ लोको पायलट और अटेंडेंट्स की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल देश के औद्योगिक विकास को गति देने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 5 सितंबर को राज्यों के उद्योग मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। एक अधिकारी ने ये जानकारी दी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बेंगलुरु स्थित रेल प्रशिक्षण केंद्र में जाकर सभी व्यवस्थाएं देखी और रेलवे कर्मचारियों से बातचीत भी की। साथ ही सुगम क्रियान्वयन की दिशा में रेल मंत्री ने कई समस्याओं का मौके पर ही निर्णय लेकर समाधान कर दिया। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम AEPS के जरिए वित्तीय लेनदेन के अगस्त महीने में 100 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है, जिसमें कुल लेनदेन की राशि 24,676 करोड़ रुपए रही। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारतीय डाक पेमेंट बैंक में अब तक लगभग 9 करोड़ 88 लाख बैंक खाते खोले गए हैं। सुगम और सस्ती सेवाओं के जरिए वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने में बैंक की भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि इस बैंक के जरिए विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को 45,000 करोड़ रुपए हस्तांतरित किए गए। अगस्त में UPI के जरिए 1,496 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। इस दौरान टोटल 20.61 लाख करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की गई। TVS मोटर कंपनी के लिए अगस्त महीना बिक्री के लिहाज से अच्छा रहा। कंपनी की कुल बिक्री पिछले महीने सालाना आधार पर 13% बढ़ी। श्नाइडर इलेक्ट्रिक अगले कुछ वर्षों में वैश्विक औद्योगिक स्वचालन कारोबार में भारत की हिस्सेदारी 25% तक बढ़ाने पर विचार कर रही है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं, छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। काट सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जानें फटाफट अंदाज में। केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक समीक्षा बैठक में गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। देश की सबसे बड़ी रियल्टी कंपनी TLF लिमिटेड की चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में बिक्री बुकिंग 3 गुना से अधिक की वृद्धि के साथ 6,404 करोड़ रुपए रही है। सतीश कुमार ने ऑयल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार संभाल लिया है। सरकार की उपक्रम इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड तरलीकृत प्राकृतिक गैस कारोबार का विस्तार कर रही है। वह वित्त वर्ष 30 तक 100 LNG स्टेशन स्थापित करेगी और दुर्गम इलाकों में सेवा उपलब्ध कराने के लिए CNG से LNG में बदलने का प्लांट स्थापित करने के प्रयासों में लगी हुई है। इंडिगो एयरलाइंस ने श्रीलंका के उत्तरी प्रांत में स्थित जाफना के लिए सीधी उड़ानें शुरू की। इसके पहले केवल कोलंबो के लिए ही उड़ानें थी। यह एयरलाइंस के तेजी से बढ़ते नेटवर्क में 34वां अंतरराष्ट्रीय और कुल 122वां गंतव्य है।
अगस्त महीने में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजारों में 25,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। तेल कंपनियों ने वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन किया है। 1 सितंबर से दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में 39 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। विमान ईंधन के दाम रविवार से घटाए गए हैं, इससे यात्रियों को विमान किराए में राहत की उम्मीद है। दिल्ली में विमान ईंधन की कीमत 4.59% कम होकर 93,480 रुपए प्रति किलोलीटर हो गई है। TCPL ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरीज टाटा कंज्यूमर सोलफुल प्राइवेट लिमिटेड, नॉरिशको बेवरेजेस लिमिटेड और टाटा स्मार्ट फूड्स लिमिटेड का कंपनी में विलय कर दिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन के उत्तर पूर्वी शहर खार्किव पर रूसी हमले में लगभग 50 लोग घायल हुए हैं। गाजा में 6 बंधकों की मौत के बाद इसराइल में गुस्सा फूट पड़ा। रविवार को हजारों लोगों ने सड़कों पर आकर सरकार विरोधी प्रदर्शन किया। वहीं इसराइल के ट्रेड यूनियन फेडरेशन ने आज बड़े स्तर पर इसराइल में आम हड़ताल का आह्वान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार बंधकों की सुरक्षित रिहाई में विफल रही है। पुलिस ने कहा कि देश भर में कई प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। दरअसल संघर्ष विराम में देरी और इजरायली सरकार द्वारा युद्ध को संभालने के तरीके पर जनता के बीच आक्रोश बढ़ रहा है। तेल अवीव में प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दी और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से गाजा में बचे हुए बंधकों को वापस लाने के लिए और अधिक प्रयास करने का आह्वान किया। पाकिस्तान को संकट से बाहर निकालने के लिए देश के पूर्व प्रधानमंत्री व पाकिस्तान मुस्लिम लीग अध्यक्ष नवाज शरीफ ने सभी दलों से एकजुट होकर प्रयास करने की अपील की है। पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान को संकट से उबारने के लिए एक सर्वव्यापी संवाद का मंच बनाया जाना चाहिए, जिसमें इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ सहित सभी प्रमुख राजनीतिक दल शामिल हों। इमरान खान की पार्टी पीटीआई से बातचीत को लेकर योजना मंत्री एहसान इकबाल ने शर्त रखी है। उन्होंने कहा कि पीटीआई के साथ किसी तरह की बातचीत के लिए पिछले साल 9 मई की कथित हिंसा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को माफी मांगनी होगी। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की जान लेने वाले हेलीकॉप्टर दुर्घटना के लिए खराब मौसम को जिम्मेदार ठहराया गया है। पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत के मामले में एक जांच रिपोर्ट सामने आई है। इसमें बताया गया है कि इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर खराब मौसम के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ था। अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में क्षेत्रीय चुनाव जीतने वाली पहली धूर दक्षिणपंथी पार्टी बनने की राह पर है। प्रोजेक्शन में AfD को थुरिंगिया राज्य में 33.1% वोट मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि कंजर्वेटिव के 24.3% वोट से ही कहीं ज्यादा है। पीएम मोदी ने पैरालंपिक खेलों में अब तक पदक जीतने वाले भारतीय खिलाड़ियों से टेलीफोन पर बातचीत की। पीएम ने खिलाड़ियों की सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। पारस पैरालंपिक भारत का शानदार प्रदर्शन जारी है। भारतीय एथलीट के बेहतरीन प्रदर्शन की बदौलत पारस पैरालंपिक भारत 7 पदक अपने नाम कर चुका है। पारस पैरालंपिक 2024 के चौथे दिन भारत को निशात कुमार ने मेंस हाई जंप में सिल्वर मेडल दिलाया। निशात ने 2.04 मीटर के सीजन बेस्ट के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया। निशात ने टोक्यो में भी सिल्वर मेडल जीता था। भारतीय पैरा स्प्रिंटर प्रीतिपाल ने 200 मीटर T35 रेस में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। पैरिस पैरालंपिक में प्रीतिपाल का यह दूसरा पदक है। प्रीतिपाल ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बन गई हैं। इससे पहले प्रीति ने महिलाओं की T35 100 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता था।
पेरिस पैरालंपिक के पांचवे दिन आज भारतीय शटलर नितेश कुमार पुरुष एकल SL3 के फाइनल में अपनी चुनौती पेश करेंगे। फाइनल में नितेश का मुकाबला ब्रिटेन के बेथल डैनियल से होगा। सेमीफाइनल में नितेश कुमार ने जापान के डाइसू के फुजिहारा को सीधे सेटों में हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। सुहास यतिराज पुरुष बैडमिंटन एकल SL4 के फाइनल में स्वर्ण पदक के लिए खेलेंगे। फाइनल में यतिराज का मुकाबला टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता लुकास मजूर से होगा। पुरुष बैडमिंटन एकल SL4 प्रतियोगिता में सुकांत कदम कांस्य पदक के लिए इंडोनेशिया के फ्राडी सेतियावान से भिड़ेंगे। भारतीय पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना बेन पटेल चल रहे पेरिस पैरालंपिक 2024 में महिला एकल WS4 वर्ग के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने मैक्सिको की मार्था वर्डिन के खिलाफ 3 सीधे सेटों में 11-3, 11-6, 11-7 में अपना मैच जीता। भारतीय तीरंदाज राकेश कुमार पैरालंपिक के कंपाउंड पुरुष ओपन तीरंदाजी सेमीफाइनल में चीन के प्रतिद्वंद्वी एन शेन लियांग के खिलाफ हार गए। पेरिस पैरालंपिक में भारत की मनीषा रामदास ने सेमीफाइनल में स्थान बना लिया है। बैडमिंटन सिंगल्स SU5 कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मनीषा रामदास ने जापान की मामिको टोयोडा को 21-13, 21-14 से शिकस्त दी। पैरा बैडमिंटन के SL3 के क्वार्टर फाइनल में मनदीप कौर का सफर क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया है। उन्हें नाइजीरिया की मरियम बोलाजी ने 21-8, 21-9 से सीधे सेटों में आसानी से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। बैडमिंटन में ही पलक कोहली के क्वार्टर फाइनल में हार गई हैं। SL4 वर्ग में पलक को इंडोनेशिया की के सादिया ने हराने में सफलता पाई। निशानेबाज अग्नि लेखरा 10 मीटर एयर राइफल ड्रोन SH1 के मिश्रित वर्ग के फाइनल में स्थान बनाने से चूक गई हैं। दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप 2024 में शानदार शुरुआत करते हुए प्रतियोगिता के पहले दिन भारत ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक हासिल किया। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने गत चैंपियन मोहन बगान सुपर ज्वाइंट को पेनल्टी शूटआउट में 4-3 से हराकर खिताब को अपने नाम कर लिया। साल के चौथे ग्रैंड स्लैम US ओपन में इटली के यानिक सिनर तीसरे दौर के मैच में जीत के साथ ही प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। सिनर ने ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी क्रिस्टोफर को 6-1, 6-4, 6-2 के अंतर से हराया। वहीं एक अन्य मैच में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया के जॉर्डन थॉम्सन अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। थॉम्सन ने तीसरे राउंड में इटली के मटेओ अर्नाल्डी को हराया। दलपति विजय की नई फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम 5 सितंबर को रिलीज होगी। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। दिव्या खोसला को फिल्म सभी के लिए ब्रांड्स इंपैक्ट इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड्स में मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता महिला का पुरस्कार मिला है। कन्नड़ अभिनेता उपेंद्र की भी फिल्म कुली में आधिकारिक रूप से एंट्री हो गई है। हाल ही में कुली का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर जारी किया गया। शाहिद कपूर की आगामी बहुचर्चित फिल्म देवा है। इस फिल्म में शाहिद एक पुलिस ऑफिसर के किरदार में नजर आएंगे। शाहिद कपूर की एक और आगामी फिल्म बुल है। इसका निर्देशन आदित्य निम्बालकर करेंगे। करीना कपूर खान की फिल्म द बकिंगहम मर्डर्स एक अनोखी मिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है जो 13 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। अभिनेता आदर जैन ने सोशल मीडिया पर अलेखा आडवाणी से सगाई की तस्वीरें साझा की हैं। अभिनेता समंदर के किनारे अंगूठी पहनाते नजर आए। सिद्धांत चतुर्वेदी स्टार फिल्म यूथ्रा 20 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में अभिनेता के साथ मालविका मोहनन लीड रोल में नजर आएंगी।
जूनियर एनसीआर स्टारर देवारा पार्ट 1 27 सितंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देगी, जिसके साथ जानवी कपूर भी अपना साउथ डेब्यू कर रही हैं। नेटफ्लिक्स के आर्चीज के आकर्षक लीड मिहिर आहूजा यश पटनायक के अगले प्रोजेक्ट में एक बार फिर दर्शकों को लुभाने के लिए तैयार हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।